इंदौर नगर निगम में वाल्वमैन के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी ने शनिवार रात को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवक की तलाश में जुटी पुलिस को सुबह उसका शव सुभाष नगर पानी की टंकी के पास मिला और वहां पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि मृतक 40 वर्षीय जितेंद्र पिता बाबूलाल यादव निवासी कुलकर्णी भट्टा है। जितेंद्र नगर निगम में 2005 से काम कर रहा था। परिजन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी निराश भी था और उसे पिछले कुछ महीनों से वेतन भी नहीं मिला था। शनिवार रात करीब 1 बजे अचानक वह घर से चला गया था। इसका गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया गया था। तब से ही पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। इंदौर से दीपक सिंह के साथ अभिजीत सिंह और ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। ये जो निगम कर्मी ने मादक पदार्थ जो खाकर आत्महत्या कर ली, क्या वजह बताई जा रही है? थाना प्रदेशीपुरा में आज सुबह एक सूचना मिली कि कोई व्यक्ति की लाश सुभाष नगर पानी टंकी के पास ग्राउंड में पड़ी है। जो उक्त सूचना पर मौके पर स्टाफ पहुंचा तो जो मृतक की पहचान जितेंद्र यादव उम्र करीबन 40 वर्ष है, कुलकर्णी का भट्टा निवासी पता चला है, जो नगर निगम में पिछले 20 वर्षों से वाल्व खोलने का काम करता था। कल दिनांक को भी ये रात में 1:30 बजे करीबन घर से निकला है और आज सुबह उसकी लाश मिली है। प्रारंभिक जांच में उसके पास एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में उसका लिखा हुआ मिला कि मेरे द्वारा लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा मुझे उसकी मतलब मुझे श्रेय न दिया जाकर खुद श्रेय लिया तथा मुझे बदनाम करने की कोशिश की। जब भी मैं काम करता था तो मुझे काम का न मिलके सामने वाले ने मेरे को बदनाम ही करने की नीयत से मेरे विरुद्ध काम किया है और मैं अपनी जीवन से खुश हूँ और अब इनसे मैं अब जीना नहीं चाहता। और उस प्रकार उसने अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति का नाम लिखा है। पूरे सुसाइड नोट में किसी भी व्यक्ति को उसने व्यक्तिगत रूप से नाम ऐसा जिम्मेदार नहीं बनाया है और इस प्रकार उसने सुसाइड कर ली। उसके द्वारा क्या खाया गया ये तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसके मुंह से झाग निकल रहा था, संभव तो कोई जहरीला पदार्थ खाया होगा ऐसा प्रतीत होता है। इस नाम की पुष्टि की है सर, वो बता सकते हैं क्या? किसमें जो अभी आप बोल रहे थे कि नाम की पुष्टि की नहीं, सुसाइड नोट में उसने किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बताया है जिसके से वो प्रताड़ित हो। उन्हें सामूहिक रूप से लिखा कि कुछ लोगों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, नाम नहीं लिखा है। कोई आपसी रंजिश वगैरह किसी झगड़ा ऐसा परिवार जन से कोई भी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एक ही जानकारी मिली है कि कुछ माह से उसको वेतन नहीं मिला था, ऐसा परिवार के एक सदस्य द्वारा बताया गया है, लेकिन उसके द्वारा नाम नहीं बताया गया न कोई कारण बताया गया। सर इसमें कुछ जांच आगे बढ़ी कि किन लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था? नहीं नहीं, अभी तो केवल मर्ग पीएम होगा, पीएम के बाद पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके पूर्व जो भी उसके परिजन है उनसे बयान लिए जाएंगे और सुसाइड नोट को जांच हेतु भेजा जाएगा। उसके पश्चात अगर कोई जिम्मेदार होता है, इसका नाम के सामने आता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।